जयपुर के मन रंग ने भी वैष्णविज्म बड़े रंगीन अंदाज से अपनी राग देवगंधार की रचना में ख्याल के रूप में पेश किया है, जिसमें पनघट पर कृष्ण का राधा को छेड़ना, पानी ना भरने देना, मटकी फोड़ देना वगैरह वगैरह शिकायत है और बड़ी रंगीन। मियां नत्थन खां साहब श्याम के उपनाम से रचनाएं करते थे। राग जौनपुरी में उनकी रची एक होरी धमार पेश कर रहा हूं।
के उपनाम से उस्ताद फयाज खान साहब ने सिंगार रस में रचनाएं की। राग गौण मल्हार में एक होरी धमार पेश है, श्याम बिहारी ने कैसी होरी खेली, सुनिए। खान साहब ने प्राण पिया के उपनाम से जहां अल्लाह रसूल की हमदोनात रची, वहां वैष्णविज्म भी दिखाया। नाइकी कनाडा में
उनकी एक ख्याल रचना पेश है। रचयिता ने खुद को इस रचना में राधा के रूप में पेश किया है। बंसी की इसी धुन ने जिसने मन मोह लिया, एक बार इसी रंग में प्राण प्रिया की दूसरी रचना रायसा कानड़ा में रचयिता ने इस रचना में कृष्ण की भूमिका की है।
में एक विलंबित ख्याल रचा है जिसमें उन्होंने संगीत में निपुणता और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का उपदेश दिया है। हिंदू फिलॉसफी सामने रखकर यह रचना की है। दिल रंग के उपनाम से इनकी रचना पेश है। रचना में दिखाया है कि कृष्ण राधा के घर आए, वे खुश हैं और उनकी बंसी की धुन की तारीफ कर रही हैं। ये रचना फिरत की है। Yeah.
चर्चा को लेकर बात के काल के सभी रचयिता लेकर चले, जिसमें कौमी यकजहती, एकता, भाईचारा नजर आता है। और क्यों ना हो, ये एक दरस है, दिया हुआ ज्ञान और उसकी श्रद्धा भी है। यहां पर याद आया, अमीर खुसरो ने जहां भारतीय संगीत की ग्राउंड पर अरबी, ईरानी और तुर्की संगीत के मेल से आविष्कार किए, वहां अपने ग्रंथ में यह भी कहा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर वहीद मिर्जा ने कहा है, उनकी किताब है लाइफ एंड वर्क ऑफ अमीर खुसरो। इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजी ही में कहा है, जो पेश कर रहा हूं। आई एम एन इंडियन इफ ए तुर्क, I do not derive my inspiration from Egypt. I do not therefore speak of Arabia. My lyre responds to the Indian theme. अमीर खुसरो पहले भी भारतीय संगीत को उत्तम कह चुके हैं, साथ ही सूफीज्म की बहुत सी रचनाओं के साथ वैष्णविज्म पर रचनाएं कर चुके हैं। इसी ज्ञान, देश प्रेम, अपने भारतीय संस्कृति और अपनी परंपरा और गुरु पथ पर चलते हुए मैंने भी दर्पण के उपनाम से बहुत सी रचनाएं की हैं। सबसे पहले राग जोग में धमार पेश है। Yeah.
से ताल में ये ख्याल पेश है। नटखट शरीर ब्रजबाल का यमुना तट पर गोपियों के बीच राधा को छेड़ना और राधा को कृष्ण की मत को ना मारना और अपनी मत पर कायम रहना। रचयिता दर्पण ने अपने रूप कृष्ण का रखा है। आखिर में रागनी भैरवी में एक चलत ठुमरी पेश है। इस रचना में बंसी की धुन सुनकर सभी मगन हैं। साहित्य रूप से इस कृष्ण लीला की रचना को देखा जाए तो एक चमत्कार जरूर नजर आएगा। कविता के सभी बोल ना पर अंत होते हैं, इसमें कोई वॉवल नहीं है। Bana dona sun, magana tan.
I